कोई एब्सेंट हुआ तो क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो. फीस कलेक्शन ऑटोमेटिक. मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना. टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर. चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है. आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एजुकेशनल एक्सप्रेस में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है. वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कुछ कहना चाहता हूं आप लोगों से. आप लोगों के लिए जो कट ऑफ की जो सीरीज आ रही है उसमें काफी ज्यादा मेहनत पड़ती है, क्योंकि पिछले साल की जो जितनी कट ऑफ आई होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को महारानी कॉलेज की वीडियो में बताया था कि महारानी कॉलेज में पिछले साल 12 कट ऑफ आई थी, महाराजा कॉलेज की जो वीडियो थी उसमें 11 कट ऑफ आई थी, और आज की जो वीडियो होने वाली है वो राजस्थान कॉलेज की वीडियो होने वाली है जिसमें कि बीए के कोर्स कराए जाते हैं, बीए पास कोर्स और बीए ऑनर्स की. तो इन सारी कट ऑफ्स को देखने में पूरा एक तरह से रिसर्च करने के बाद दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो. मैंने देखा है कि जितनी वीडियो इस सीरीज में आ चुकी हैं, आर यू एलिजिबल फॉर राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो सीरीज चल रही है उसमें 3 वीडियो आ चुकी है, और तीनों वीडियो में लगभग 500 से ऊपर व्यू जा चुका है. महारानी कॉलेज वीडियो में 1000 से ऊपर व्यू जा चुका है, लेकिन लाइक परसेंटेज अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 100 से भी कम लाइक है दोस्तों. तो आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, जितनी कट ऑफ है आप लोग की लगातार मैसेज आ रहे हैं लगातार कि कितने परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होगी, इतने परसेंट है, इस बोर्ड से हूं, इस कैटेगरी से हूं, तो आप लोगों के लिए इतना मेहनत मैं कर रहा हूं. लास्ट ईयर की जितनी कट ऑफ आती है एक एक कट ऑफ को एनालिसिस करके कि कितना कट ऑफ जाएगा लास्ट ईयर के बेसिस पे. आप चाहें तो जो मेरी पिछली सीरीज थी, पिछली जो इस कट ऑफ रिगार्डिंग सीरीज थी, मिनिमम परसेंटेज टू गेट एडमिशन इन राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो लास्ट ईयर के लिए थी, मतलब 2020-21 के सेशन के लिए थी, उस कट ऑफ को भी एक बार देखिएगा, और जो कट ऑफ निकली थी फाइनल कट ऑफ उससे मैच करिएगा, तो आप बताइएगा कि हमारा एक्यूरेसी लेवल क्या है दोस्तों. सटीक कट ऑफ बताते हैं दोस्तों, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, कट ऑफ देखने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों. आपके एक सब्सक्रिप्शन से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा. वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, जहां कमियां होंगी वो कमियां भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगले वीडियो में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा. तो चलिए दोस्तों बिना देर की हम आज की इस वीडियो को, हमारी जो सीरीज चल रही थी नो योर कॉलेज की, वो आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें जितने कॉलेजेस हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं उसके बारे में मैंने बताया, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं. और उसके बाद से एक सीरीज ये चल रही है कि क्या आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है. तो इस सीरीज में आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि कम से कम कितने परसेंटेज अगर आप लोग के होंगे क्लास 12th में, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, या किसी भी अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो कम से कम इतने परसेंटेज अगर आपके होंगे तो आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस जो है उसमें एडमिशन के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे. तो ये जो कट ऑफ मैं बताता हूं वो लास्ट ईयर के बेसिस पे होती है. लास्ट ईयर की जितनी कट ऑफ आई होती है उसमें मिनिमम जब सबसे लास्ट कट ऑफ होती है उतने ही परसेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सबसे लास्ट कट ऑफ जो होती है उसके ऊपर जितने कट ऑफ उतने ऊपर जिसके परसेंटेज होते हैं उसकी सभी की एडमिशन हो जाती है. तो कम से कम कितने परसेंटेज रिक्वायरमेंट होती है राजस्थान कॉलेज में बीए करने के लिए, बीए पास कोर्स और बीए ऑनर्स के लिए, तो उसके बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूं. सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज की. तो राजस्थान कॉलेज एक बॉयज कॉलेज है जहां पे बीए के कोर्सेज करवाए जाते हैं. मॉर्निंग में भी बीए के कोर्स चलते हैं और इवनिंग में भी बीए के कोर्सेज चलते हैं. जैसा कि मैंने राजस्थान कॉलेज की जो नो योर कॉलेज की पार्ट थी उसमें बताया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, नहीं तो पहले राजस्थान कॉलेज में केवल मॉर्निंग कोर्सेज चला जाता. तो बीए के नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होने की वजह से इवनिंग में भी इस कोर्स को कर दिया गया. तो बीए के लिए आप लोगों को कितने परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले मैं बीए पास कोर्स की बात कर लेता हूं. बीए पास कोर्स में दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 90% की रिक्वायरमेंट होगी. आप यहाँ पे देखेंगे कि बीए पास कोर्स में आप लोग को ज्यादा परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होगी अगर हम कंपेयर करते हैं ऑनर्स के कोर्सेज से. ऑनर्स की कोर्सेज मैं बताऊंगा तो आप लोग वहां पे देखिएगा कि कितने परसेंट की रिक्वायरमेंट हो रही है. बीए पास कोर्स ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 88% की रिक्वायरमेंट होने वाली है. एससी के हैं तो 84.80%, ठीक है भाई. एसटी के हैं तो 86% और ईडब्ल्यूएस के हैं तो 83% की रिक्वायरमेंट होने वाली है. बीए ऑनर्स की तरफ बढ़ते हैं. ये था बीए पास कोर्स का. बीए पास कोर्स में जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है इतने परसेंटेज अगर आपके आ जाएंगे तो आप समझ लीजिएगा कि आपका यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है. तो अब बीए ऑनर्स की तरफ बढ़ते हैं. बीए ऑनर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ये सारे ऑनर्स के कोर्सेज हैं दोस्तों.
तो ऑनर्स के बारे में बता दूं कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स अगर आप लोगों को करना है जनरल कैटेगरी के हैं तो 80.80%, ओबीसी 64.66%, एससी 64%, एसटी 65% और ईडब्ल्यूएस 74%। स्क्रीन पे भी आप लोगों को फ्लैश हो गया होगा कि कितने परसेंट की रिक्वायरमेंट होगी। आप लोग वीडियो को पॉज करके चाहे तो आप देख भी सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर की तरफ पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में 66% जनरल कैटेगरी दी है दोस्तों, 66%, इतने कम परसेंटेज में भी आपके एडमिशन हो जाएंगे ऑनर्स अगर आप लोगों को करना है इंग्लिश लिटरेचर में। तो 54.60% ओबीसी कैटेगरी, 55.60% एससी, 60.60% एसटी और 61.40% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए स्टूडेंट्स को चाहिए। ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स तो 80.40 जनरल कैटेगरी, 80% ओबीसी, 76.80 एससी, 77% एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट और 73% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ये सारी कट ऑफ जो थी वो दोस्तों 7 कट ऑफ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि राजस्थान कॉलेज में 7 कट ऑफ लिस्ट आई थी और ये 7वें कट ऑफ लिस्ट की ये सारी परसेंटेज है। ओबीसी एक ऐसा कैटेगरी है इसका कि 2 से 3 कट ऑफ तक जाते जाते ओबीसी की लिस्ट आना बंद हो जाती है, तो ओबीसी के जितने भी स्टूडेंट है ओबीसी कैटेगरी के उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इतने परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है। हिंदी लिटरेचर की तरफ पढ़ते हैं तो 57% जनरल कैटेगरी, 59.40% ओबीसी, 59.60% एससी, 55.80% एसटी और 57.5% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को चाहिए होती है। साइकोलॉजी ऑनर्स की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों तो जनरल के लिए 55%, आपको सुन के हैरानी होगी 55% अगर आपके हैं जनरल कैटेगरी के तो आपका साइकोलॉजी ऑनर्स में भी एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 59.20%, एससी के हैं तो 53.80%, एसटी के हैं तो 54.40 और ईडब्ल्यूएस के हैं तो 62%। हिस्ट्री ऑनर्स की तरफ पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स बहुत ज्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं तो इसकी कट ऑफ भी ज्यादा जाती है। जनरल की बात कर लेते हैं 76%, ओबीसी की 83%, ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पे हिस्ट्री ऑनर्स में जनरल से ज्यादा गई थी पिछले बार दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो 70%, एसटी की 74% और ईडब्ल्यूएस की 73% की रिक्वायरमेंट होती है। अब दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की तरफ। यहां तक अगर आप लोगों ने वीडियो को देख लिया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब वीडियो के पहले ही मैंने कहा था कि जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया इस वीडियो को देखने के पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग के लिए इतना मेहनत मैं कर रहा हूं, लास्ट ईयर की जितनी कट ऑफ है उन सबको एनालाइज करने के बाद, रिसर्च करने के बाद ये आप लोग तक मैं पहुंचाता हूं। और YouTube पे इस ईयर की राजस्थान यूनिवर्सिटी की कट ऑफ सबसे पहले मैं ही बता रहा हूं, हो सके तो इसके बाद और लोग भी आप लोगों को कट ऑफ बताएं। तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी देखने को मिल रही है आप लोगों में कि इतने परसेंटेज पे आपकी एडमिशन हो जाएगी नहीं, और ये जेन्युइन बात है कि आप लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए और परेशान भी है कि इतने परसेंट में एडमिशन होगी या नहीं होगी। तो इसीलिए आप लोग की एडमिशन जो है वो जुलाई लास्ट या अगस्त से शुरू हो जाएगी, तो उसी के संदर्भ में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप लोग को पहले से ही पता चल जाएगा कि आप लोग इतने परसेंटेज अगर आते हैं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास अदर बैकअप ऑप्शंस भी आप लेके चल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की तरफ। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में जनरल कैटेगरी 85.40%, ओबीसी 82.60%, एससी 73.60%, एसटी 77.80% और ईडब्ल्यूएस 63.80%। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स अगर आप लोग को करना है तो जनरल कैटेगरी के हैं तो 61.80%, ओबीसी 60.20%, एससी 54%, एसटी 55% और ईडब्ल्यूएस 57.20%। सोशियोलॉजी ऑनर्स अगर आप लोगों को करना है जनरल कैटेगरी के हैं तो 60%, ओबीसी के हैं तो 55%, एससी के हैं तो 53%, एसटी के हैं तो 58.20% और ईडब्ल्यूएस के हैं तो 57.20% की रिक्वायरमेंट होगी। तो राजस्थान कॉलेज की ये कट ऑफ थी, इतने परसेंटेज अगर आपके कम से कम आएंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे राजस्थान कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बीए के कोर्सेज में। कुछ बच्चे को कमेंट आ रहा था, एक बच्चे का कमेंट ऐसा आया था कि भैया कि क्या आप मान ही लिए हैं कि क्या आप राजस्थान कॉलेज की वीडियो नहीं बनाएंगे, तो राजस्थान कॉलेज की ये वीडियो आप लोग के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है बीए के कोर्सेज के लिए। तो जिन भी भाइयों को दिक्कत आ रही थी, जिन भी लोगों को समस्या आ रही थी कि राजस्थान कॉलेज में एडमिशन के लिए कितने परसेंट की रिक्वायरमेंट होगी, वो इस वीडियो को देखें, पूरा लास्ट तक देखें और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग को हमारे कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा दोस्तों। 80% व्यूअर्स ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, तो आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को और शेयर भी कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी आप लोगों की समस्या होगी, इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनली फॉलो करिए, डीएम करिए, इंस्टाग्राम पे मैं सारे मैसेजेस के रिप्लाई देता हूं। और टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल एक्सप्रेस नाम से है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सबसे पहले अपडेट आप लोग को वहीं पे आती है दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अब इस सीरीज में एक कॉलेज रह गया है, यूनिवर्सिटी कॉमर्स कॉलेज।
यूजी कोर्सेज के लिए, उसके बाद से अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की भी आप लोग की डिमांड होगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या पोस्ट ग्रेजुएशन की जो पिछले साल से मेरिट बेस पे एडमिशन हो रहा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में मैं बता दूं, तो आप जैसा कहेंगे तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की कट ऑफ भी आप लोग के सामने लेके आऊंगा। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।